गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि कल मुमरा शहर में उद्धव ठाकरे आए थे 11 नवंबर को, और उसी दौरान सभा के दौरान जो है मुफ्ती अशरफ साहब ने एक बयान दिया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा शहर में हो रही है और मुफ्ती अशरफ साहब के खिलाफ जो है टिप्पणियां भी की जा रही है। दरअसल इन्होंने बयान दिया था कि जिस तरह से मुस्लिम समाज में मस्जिद है और उसी तरह से मराठा समाज के लिए शाखा होती है, इसको लेकर एक विवाद चल रहा है कि अशरफ साहब ने जो है मस्जिद को शाखा से जोड़ दिया है। आपने जो बयान दिया था उस बयान को लेकर जो है कहीं ना कहीं काफ़ी नाराज़गी जो है मुस्लिम समाज में देखी जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए इस्लाम भाई, ऐसा है कि अगर कोई आदमी किसी बात को क्लिपिंग को काट कर पेश करता है या उसको रखता है तो वो वाकई गलत काम है। और असल में वो बयान इस तरह था कि शाखा के ऊपर जो कार्रवाई हुई, अगर फॉर एग्जांपल तुम किसी आदमी को पकड़ो और उससे पूछो भाई शाखा ये होती क्या है, समझाओ मुझे शाखा क्या होती है, तो हमारे मराठा समाज के अंदर जो लोग शाखा बनाते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज गढ़ किले जो होते थे, तो शाखा में अच्छे अच्छे काम होते हैं, कोई गरीब जाता है, कोई परेशान हाल जाता है, उनकी मदद करते हैं। तो हमारे यहाँ मुसलमान समाज के जो लोग थे उनको मैंने समझाया, जैसे हम लोग मस्जिद में जाकर दुआएं करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, तो ये लोग भी शाखा में जाकर उनकी जो भी तरीका हो काम करने का, इबादत का, वो करते हैं सब। तो हमारे अपोजिशन के लोगों ने उस चीज़ को काट दिया। हालांकि मैं इस बात को जानता हूँ, अपने शाखा को मस्जिद से जोड़ दिया, ऐसा कहना वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी होगा इस्लाम भाई, जो मस्जिद से शाखा को जोड़ेगा। कुरान में साफ साफ जोड़ा नहीं, लोगों ने जोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूँ, कुरान में जब अल्लाह ने साफ कहा इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व अकाम अस्सलात व आता ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह, कि मस्जिद ये सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, मस्जिद उनके लिए होती है जो ईमान वाले होते हैं और जो नमाज कायम करते हैं। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि देखो कोई भी चीज़ को आप लोग तोड़ो मत और उसको मजहब के कहने से मत देखो। मस्जिद जो है वो किस लिए है? मस्जिद देखिए एक घर होता है, इबादत होती है, जहाँ पर अल्लाह ताला की हम सब लोग इबादत करते हैं वहाँ पर। और मस्जिद के अंदर इस्लाम भाई जो हमारे ठीक है, मान लिया इबादत करने की जगह मस्जिद, ठीक है सुनिए। और जिस शाखा के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे थे, वो शाखा, लड़ाई मतलब विरोध प्रदर्शन, मांग आपकी जो भी थी, वो शाखा किसकी? देखिए वो शाखा जो है हमारे यहाँ के जो एक बहुत अच्छे CM थे उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके गढ़ की वो शाखा थी इस्लाम भाई। और वहाँ के जो इख्तलाफात हुए, जैसे कि आप जानते कुछ लोगों ने गद्दारी की, कुछ नाम ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की शाखा थी, लेकिन हमारे यहाँ पर जो शिंदे गढ़ की जो है शाखा थी, कुछ नाम था ना उद्धव साहब किस पार्टी से? उद्धव साहब शिवसेना की जो असल पार्टी है वो उनकी पार्टी की शाखा है, ठीक है, वो शिवसेना की शाखा, लोगों ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। शिवसेना की शाखा थी ना, तो शिवसेना राजनीतिक पार्टी है ना? हाँ राजनीतिक पार्टी है वो, तो एक तो शाखा भी राजनीतिक हुआ, बिल्कुल राजनीति भी। तो फिर मस्जिद से आपने कंपेयर कैसे किया राजनीतिक शाखा? इस्लाम भाई जब आप किसी आदमी को कोई चीज समझाओगे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन क्या है, कोई बेवकूफ़ी आदमी कंपेयर करेगा, लेकिन जब कोई किसी को मिसाल समझाएगा तो मिसाल देकर समझाता है कि जैसे हम लोग वहाँ पर इबादत करते हैं, काम करते हैं, वैसे हमारे मराठी भाई उस शाखा में। सुनिए, मस्जिद है, मस्जिद में सिर्फ मुसलमान जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, कलाम पाक की तिलावत करेंगे, दुआ करेंगे, चलाएंगे, लेकिन शाखा वो राजनीतिक शाखा है, शिवसेना की शाखा है, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर धर्म के लोग जाएंगे,
कोई दुआ मांगने वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ जो जाएगा वो अपने काम से जाएगा कि हमारा ये काम रुका हुआ है, हमारा ये काम रुका हुआ है। तो वहाँ जो राजनीतिक लोग बैठेंगे वो लोग उनका काम करके देंगे, यही है ना। देखिए शाखा के अंदर वो जिस हिस्से से आपको क्या लग रहा है कि आपने जो बयान दिया वो गलत है? देखिए मेरे हिसाब से मस्जिद और शाखा दोनों अलग चीज है, तो क्या लगता है? और, और, अलग चीज है ना। और अगर किसी को ऐसा लगता है एक राजनीति से जुड़ा हुआ है बिल्कुल, और एक इबादत से जुड़ा हुआ है। इस्लाम भाई मुझे बोलने दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने उस बयान को उससे जोड़ा है तो वो चीज़ गलत है। मस्जिद एक अलग चीज़ है और शाखा एक अलग चीज़ है। मस्जिद में एक इबादत होती है, शाखा में जो हमारे मराठी भाई जिस हिसाब से काम करते होंगे, मुझे उनका पूरा डेफिनेशन नहीं मालूम कि सब काम करते होंगे, ये दोनों अलग चीज़ है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए खेद चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, और बस मैं यही कहूँगा कि आपस में सब लोग मिलजुल कर रहें, शांति से रहें और आपस में भाईचारे की बना कर रखें ताकि हमारा देश तरक्की करे। तो आपने सुना मुफ्ती साहब ने किस तरह से जो बयान दिया था उस बयान को लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया, उसको लेकर सॉरी बोल दिया है। होती है सबसे गलती, उनसे भी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैगाम भी इन्होंने अच्छा दिया है कि सभी लोग शांति से रहें और एक दूसरे से मिलजुल कर रहें।